हाय फ्रेंड्स, आज हम पहाड़ों पर कुछ जंगली फल देखने जाएंगे, उनको ढूंढेंगे। फिलहाल तो मुझे अभी दो कद्दू दिख रहे हैं, ये ग्रीन है, एक वाइट है। ये जंगली फल नहीं है, जंगली फल अभी हम आगे ढूंढने जा रहे हैं। ये जो कद्दू यहाँ पर रखे हैं, ये बीज तैयार करने रखे हैं, अभी ये पक जाएंगे अच्छे से, बिल्कुल येलो हो जाएंगे अंदर से, फिर इसका जो बीज तैयार होगा नेक्स्ट सीजन के लिए। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो पम्पकिन से यहाँ पे रखे हैं, ये जब पक जाते हैं तो उसके बाद इसको हम स्टीम करके भी खा सकते हैं। स्टीम करके खाने के बाद बिल्कुल मीठे हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं, और साथ में ये बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो आप भी ट्राई करें, एक बार इसको खाएं। ये हमको कुछ दिख रहा है, एक झाड़ सा है, ये झाड़ पे कुछ छोटी छोटी रेड बेरी लगी है। ये कैमरा जरा इसके पास लेके जाएंगे हम, बहुत ही सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि छोटा सा एप्पल का ट्री हो, कितना प्यारा लग रहा है। देखो कितना छोटी छोटी प्यारी प्यारी रेड बेरी है, लेकिन ध्यान रहे इसे खाते नहीं है, इसे हम खा नहीं सकते, खाते नहीं, खाने वाले नहीं है ये, नेचुरल है, लग जाती है। आगे अपने रास्ते की ओर चलते हैं। ये सारे के सारे एप्पल के ऑर्चर्ड्स हैं। ये देखिए, ये किसी ने टैंक बनाया था यहाँ पे पानी स्टोर करने के लिए, ताकि खेतों पे आसान हो पानी डालने के लिए पेड़ों को, बट ये पूरा सूखा पड़ा हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर पहाड़ है। अभी जो एप्पल है ये थोड़े रहते हैं पेड़ों पे, एक दो ही छोड़े हुए। शायद हमको कुछ और दूसरा फल मिल जाए। वैसे जिस फल को ढूंढने में आई हूँ स्पेशली, उसका नाम है मोगड़ू। ये जो फल है ये ऐसे ही खेतों में झाड़ में लग जाता है। मैंने बचपन में ये मिल गया। ये देखिए, ये है वो फल जिसको मैं ढूंढने आई थी स्पेशली। ये इसको मोगड़ू बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, यहाँ के लोग तो मोगड़ू बोलते हैं, बाकी और कहीं क्या बोलते हैं ये मुझे पता नहीं। इसका हिंदी में नाम क्या है ये भी मुझे पता नहीं। इसके बीज आप देख रहे हैं कितने प्यारे दिख रहे हैं, बिल्कुल रेड रेड से ये अंदर से। ये जो है मोगड़ू, इसका टेस्ट तवाई जैसा होता है थोड़ा थोड़ा, और ये बहुत टेस्टी होते हैं। ये पहले ग्रीन होते हैं, ये देखो पहले ग्रीन, फिर येलो, फिर उस पर ब्लू, ऑरेंज, इतना सुंदर कलर हो जाता है इसका। जब भी आप कभी इन पहाड़ों पे आए तो इसको जरूर खाएं, बहुत टेस्टी होता है ये। चलिए फिर आप आगे जाते हैं कि शायद आपके हमको और कुछ मिल जाए। जो जिसकी मुझे तमन्ना थी वो तो मुझे बहुत जल्दी मिल गया, मुझे लगा नहीं था। मुझे लगा था कि मुझे बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा फिर जाके मुझे ये चीज़ मिलेगी, मगर इनको बहुत जल्दी मिल गई। अच्छा है, भगवान का किस्मत अच्छी है। मगर हम आगे फिर से चलेंगे, देखेंगे हमको और कुछ क्या मिलता है। यहाँ पे नीचे सब एप्पल एप्पल गिरे हुए, सारे ये झड़ चुके हैं, अब नीचे ही सड़ चुके हैं, ऐसे ही सड़ जाएंगे, इसकी ऐसे ही खाद बन जाएगी। हम तब तक आप इतना सुंदर नज़ारा भी देखो, जब तक हमको कुछ नई चीज़ नहीं मिलती तब तक देखो कि कितना सुंदर नज़ारा है। थोड़ा सॉन्ग ही गुनगुना लेते हैं तब तक, जब तक हमको कुछ नया फ्रूट नहीं मिल जाता। चलते चलते।
पकड़ो, ये सूख चुके हैं, फिलहाल हमारे खाने के भी काम पर नहीं है बिकॉज ये सूख चुके हैं आप। तो चलिए आगे और कुछ ढूंढते हैं। तो जब तक हमको और कुछ नहीं मिलता तब तक मैं आपको एक सॉन्ग सुना देती हूँ। ये लो अभी फिर से हमें और पंपकिन दिखे। आजकल के किसान काफी समझदार हो गए हैं, बाजार से बीज ना खरीदने पड़े इसलिए जो उनके पास पंपकिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं वो सुखा देते हैं और उनके जो बीज तैयार होते हैं वो अगले साल फिर से उन्हें यूज कर लेते हैं खेती के लिए। नाइस थिंकिंग। और जैसे कि हम पहले मोकरू की बात कर रहे थे, आपको बताऊंगा कि इसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं। हमें इतने पता नहीं है क्योंकि हम बहुत कम यहाँ पे आते हैं, बट यहाँ पे जो लोकल लोग हैं ये उनको पता होंगे। अगर आपको भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में पता है तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चले। और जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी नए पेड़ लगाए गए हैं किसानों द्वारा। जो स्टार्टिंग का पेड़ होता है वो तो जो नॉर्मल बीज होता है उससे ही उगाया जाता है, और जो नॉर्मल बीज होता है किसी भी सेब का उससे पहले होता है देसी सेब होता है, फिर उस पर कलम की जाती है और जिसके बाद वो स्वादिष्ट सेब बनता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं इससे यहाँ पे लोकल लोग तरबू कहते हैं, और मुझे किसी ने बताया था जब आसमान में तारा टूटते हैं तब ये दिखाई देते हैं, तो शायद ये तारे की पोटी होगी उनके अकॉर्डिंग। बट देखने में तो ये एक ककून की तरह लग रहा है जिससे एक तितली निकलेगी सुंदर सी। अब हम इसे अपने साथ ले चलते हैं और आगे देखेंगे इसे खोल के इसके बीच में है क्या आखिर, तो सारे राज खुल जाएंगे। बहुत ही सुंदर पहाड़ियां और सेब के बाग, मजा आ रहा है वॉक करते हुए। क्या आपने लिया ऐसा मजा?
पर बहुत ही सारी ऐसी औषधियां जो सेहत के लिए अच्छी भी हैं। हमें तो मालूम नहीं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको पता चलता है कि कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो सेहत के लिए अच्छी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा। आप रास्ता देख रहे हैं, ये पत्थर से ही बनाया गया है इंसानों द्वारा। कितनी मेहनत लगी होगी ना, और ये कितना पुराना रास्ता है। अरे अरे अरे, फिर से हमें वो देसी बेरी मिली। देखने में तो ये बहुत सुंदर है, लाल रंग की है, पर ध्यान रखिएगा इसे खाते नहीं है, ये बस अपने आप उग जाती है। और मैंने किसी पशु को भी नहीं इसे खाते हुए देखा, तो प्लीज अगर आपको ये कभी दिखे, आप इसकी सुंदरता का नजारा लीजिए और खाइएगा मत। पहुंच गए हम पहाड़ की चोटी पे, कितना सुंदर मंदिर है ये। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत साल पुराना है। चलो चलते हैं मंदिर के पास। जब मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ रहा था, तो रास्ते में ग्रामीणों से जब मैं बात करते हुए आ रहा था, तो मुझे ग्रामीण ने बताया था कि ये मंदिर जो है, ये है यहाँ पे लोकल कुलदेवी का मंदिर। जय माता दी। हमने इस मंदिर पे माथा टेका, और मैंने सुना है कि इस मंदिर पे अगर हम कुछ सच्चे दिल से मांगते हैं, तो माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है। तो हमने भी पूरी की पूरी लिस्ट बनाई और बहुत सारी विशेष मांगी। अगर आप भी कभी आए इस जगह, तो आप भी अपनी लिस्ट बना के आइएगा। जय माता दी। जितनी सुंदर पहाड़ियां, उससे भी सुंदर घर। मजा आ रहा है क्या? आपको भी आ रहा है? और आप भी देख सकते हैं इस लाल बेरी के बीच में जो है बीच, पर ध्यान रखें इसे बिल्कुल भी खाते नहीं है।
वो देखो एक पहाड़ पे किला। चलो अब किले की ओर चलते हैं। ये मैंने पहले तो नहीं देखा किला यहाँ पे। शायद मैं पहली बार इतनी दूर आया हूं, पर चलो चलते हैं किले के पास। इतनी सुंदर वादियां, मजा आ गया। कच्चे रास्ते से पहाड़ की चोटी पर जाने का अपना ही अलग मजा है। क्या आपने किया ये एक्सपेरिमेंट? हमें तो बहुत मजा आ रहा है। अगर आपको भी कभी ऐसा मौका मिले तो आप भी जरूर कीजिएगा। वादी चीड़ और देवदार के पेड़ों से भरी पड़ी है और इन पेड़ों ने वादियों को और भी खूबसूरत बना दिया हुआ है। दोस्तों यह है बिच्छू जड़ी, इससे दूर ही रहने में भलाई है। अगर लग गई तो नानी याद आ जाएगी। दोस्तों ये है दाढ़ी वाले बाबा जी। हम तो इन्हें यही कहते हैं, आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। चलो अब दाढ़ी वाले बाबा जी की दाढ़ी को हवा में उड़ाते हैं। क्या आपने कभी उड़ाया इन्हें ऐसे हवा में? अगर नहीं तो देखो कैसे उड़ाया जाता है दाढ़ी को। अरे अरे अरे, ये क्या मिला हमें? ये तो तीतर का पंख है। बचपन में तो हमने ये सुना था, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर। बताओ कितने तीतर? क्या आपको मालूम है कितने तीतर हैं? तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। ये तो देसी टमाटर हैं। ये तो कहीं भी उग जाते होंगे पहाड़ियों में। खाने में भी लग रहा है कि बहुत टेस्टी होंगे।
चलो घर लेके चलते हैं और सब्जी बनाएंगे, देखते हैं कितने टेस्टी हैं ये। अगर आपको भी ये मालूम है कि ये कितने टेस्टी हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। अरे वाह, ये तो पहाड़ी राजमा की बेल है, और आप देख सकते हैं बीच में बीन्स भी हैं जो कि राजमा की है। इसमें जब सूख जाता है राजमा, तब इसमें से राजमा निकाल लेते हैं किसान। फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।